हेलो गाइस, दिस इज़ ज़की फ्रॉम ज़की फॉर यू। आज हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू डिवाइसेस शाओमी रेडमी नोट 10 एंड पोको M3 के दरमियान। देखेंगे दोस्तों कौन स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा है। पोको M3 4GB 128GB इंटरनल स्टोरेज है और शाओमी रेडमी नोट 10 भी 4GB 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो सबसे पहले कैमरा डिज़ाइन को देखेंगे। क्वाड कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा दोस्तों 48 का प्लस 8 का अल्ट्रा वाइड है, प्लस 2 का मैक्रो एंड प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अगर इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ फिंगर सेंसर की, तो साइड माउंट फिंगर सेंसर है जो कि हमारा होम मेन्यू बटन भी है और फिंगर सेंसर भी है। पोको M3 पर आते हैं। ट्रिपल्स कैमरा है, 48 का मेन है, प्लस 2 का मैक्रो एंड प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और यहाँ पर भी दोस्तों जो फिंगर सेंसर है, साइड माउंट फिंगर सेंसर ही हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर। तो डिस्प्ले में दोस्तों फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। IPS डिस्प्ले है पोको M3, जबकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें प्रोवाइड किया गया है शाओमी रेडमी नोट 10। तो यहाँ पर बात करूँ रेजोल्यूशन की, तो 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन है दोनों ही स्मार्टफोन की और PPI डेंसिटी भी सेम है। 409 की PPI डेंसिटी है दोनों ही स्मार्टफोन की। और प्रोटेक्शन के लिए जो ग्लास लगाया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देगी है। थर्ड जनरेशन गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है दोनों ही स्मार्टफोन पर। सेल्फी कैमरा में डिफरेंस है, यहाँ पर दोस्तों नॉच डिस्प्ले है पोको M3, जबकि टिनी यहाँ पर पंच होल है हमारे पास शाओमी रेडमी नोट 10। पोको M3 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है एंड 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है दोस्तों शाओमी रेडमी नोट 10 का। आगे बढ़े दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं। 2 GHz ऑक्टोकोर का प्रोसेसर है शाओमी रेडमी नोट 10, जबकि दोस्तों पोको M3 2.0 GHz ऑक्टोकोर का प्रोसेसर है। चिपसेट की बात करें, शाओमी रेडमी नोट 10 क्वाल कैम स्नैपड्रैगन 678 की चिपसेट है जो कि बेस है 11 नैनोमीटर पर, और क्वाल कैम स्नैपड्रैगन 662 की चिपसेट है पोको M3 की जो कि बेस करती है दोस्तों 11 नैनोमीटर पर। और अगर यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें, एंड्रॉयड 10 MIUI 12 है पोको M3, जबकि एंड्रॉयड 11 है MIUI 12 के साथ शाओमी रेडमी नोट 10। आगे बढ़ते हैं बैटरी की बात करते हैं। 6000 mAh की बैटरी है दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन की, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है दोस्तों इसमें डिफरेंस है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है शाओमी रेडमी नोट 10 के साथ, जबकि पोको M3 के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में स्पीड टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ब्राइटनेस टेस्ट एंड कलर वीडियो कलर टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों ब्राइटनेस टेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक स्मार्टफोन IPS है जबकि दूसरा सुपर एमोलेड है, तो हमें ब्राइटनेस टेस्ट के बाद ही आइडिया होगा कि किस स्मार्टफोन का डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है उसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ले आता हूँ, तो अब चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लो पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ, तो शाओमी रेडमी नोट 10 ऐसा हमें फील होता है ऑलमोस्ट जैसे इसका डिस्प्ले ऑफ हो चुका है, जबकि पोको M3 में लो ब्राइटनेस पर लेकर आने के बाद स्मार्टफोन भी ऐसा फील होता है जैसे ये चल रहा है। इसके बाद वीडियो है, सेम वीडियो दोस्तों मैं प्ले कर रहा हूँ दोनों ही स्मार्टफोन पर। आप यहाँ पर कलर्स देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में, तो शाओमी रेडमी नोट 10 के कलर ज़्यादा अच्छे हैं और पोको M3 के कलर में दोस्तों डिफरेंस है। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं ब्राइट कलर हैं शाओमी रेडमी नोट 10 के। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर डिस्प्ले भी में देखा जाए तो दोस्तों फ़र्क है, सुपर एमोलेड है और जो वीडियो के कलर हैं वो भी ज़्यादा अच्छे हैं शाओमी रेडमी नोट 10 की। तो चलिए दोस्तों अब करेंगे दोस्तों स्पीड टेस्ट दोनों ही स्मार्टफोन का। दोस्तों मैं आप पर ऊपर अपने पॉइंट स्कोरिंग मैंशन कर दूँगा, आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है।